ये जो भी आप पौधा देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा आपको लकड़ी का गुंडी से किया हुआ है। लकड़ी अच्छा। का गुंडी ऐसे में आप लकड़ी हमारे बात सुन के आप काल जाके कोई भी पौधा खरीद के लगा दीजिए, दो दिन में वो मर जाएगा। आज हम और गुप्ता जी दोनों जा रहे हैं एक जगह जहाँ आपको दिखाएंगे कि आखिर वो खूबसूरत जगह क्या है। और हम लोग फिलहाल अभी कटिहार में हैं, चलिए चलते हैं, आज एक बेहतरीन नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि सबसे पुराना और सबसे अच्छा दवा दुकान चीफ मेडिकल हॉल लिखा हुआ है। आखिर हम लोग मेडिकल के दुकान में क्यों आए हैं, दवा लेने तो आए नहीं हैं। देखिए भाई साहब मिल गए, चलिए हम चलते हैं मेडिकल के दुकान में। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर भगवान की मूर्ति है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब ये देखिए ये कौन से गली में ले जा रहे हैं हम लोगों को। इनका परिचय भी लेंगे हम लोग और ये कहाँ ले जा रहे हैं ये भी हम जानेंगे। मगर फिलहाल गलियारों से निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं। पहले आप अच्छा पहले हमको देखिए, ये हमको पहले चढ़ा रहे हैं। देखिए ये लकड़ी का बहुत ही पुराना सीढ़ी है और इस पर हम लोग चल रहे हैं। और देखिए ये दादा हमें कहाँ ले आए हैं, दादा कहाँ ले आए हैं आप हमें? हाँ अलग जी, हम अपना रूफ गार्डन में लेके आए हैं। वेरी गुड, तो आप लोग देखिए रहे हैं कि ये थर्ड फ्लोर पर है। हाँ ये हो गया जाके, ये रूफ गार्डन का सबसे बड़ा जो भी हमको बोलिएगा क्या खासियत है, ऐसे तो इससे भी अच्छा इससे भी बड़ा गार्डन होता है लोग के पास। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हम शुरू से टारगेट किए थे बिना मिट्टी का लाइट वेट में अपना बगीचा तैयार करने का। बिना मिट्टी का लाइट वेट में? ए, बिना मिट्टी का क्या होता है? बिना मिट्टी का ये, तो ये जो भी आप पौधा देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा आपको लकड़ी का गुंडी से किया हुआ है। लकड़ी अच्छा। का गुंडी ऐसे में आप लकड़ी हमारे बात सुन के आप काल जाके कोई भी पौधा खरीद के लगा दीजिए, दो दिन में वो मर जाएगा। उसको हम लोग एक दो महीना प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें मिट्टी का सारा गुण डाला जाता है। जब ये सारा प्रोसीड्योर हो जाता है तो लगभग मिट्टी की तरह हो जाता है। आप उसमें क्या करना है, थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालिए, कोशिश कीजिएगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि गोबर खाद हुआ वगैरह वगैरह, रासायनिक खाद डालने का कोशिश नहीं कीजिए। इसमें आपका गाछ खूब अच्छा होगा। आप गाछ को प्यार करते हैं तो गाछ आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, यही मेरा कहना है। सीजन फ्लावर जाड़ा का खूब पॉपुलर फ्लावर है, इंप्रेशन। इसका हजारों तरह का कलर होता है, जिसमें ये कलर हुआ, आरो बहुत सारा कलर है यहाँ पर, बहुत कलर है। अच्छा फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोडियोलस, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी जाड़ा का। ये आपको बहुत इजी ग्रो होता है, माने जैसे कि आज आप गार्डनिंग शुरू किए, बस सिर्फ आपको पौधा कलेक्ट करना है, कोई खास बात नहीं। आप इसमें बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग फर्टिलाइजर स्प्रे कर देंगे। और हम एक तो बात बोलेंगे, अगर बोलना चाहते हैं गाछ को ज़्यादा प्यार दीजिए, दुलार प्यार करें, गाछ आपको मर जाएगा। उससे अच्छा गाछ को थोड़ा सा सहने का मौका दीजिए। बीच बीच में उसको खाना तो सभी को चाहिए, हमको भी चाहिए आपको भी चाहिए, उसमें गाछ ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह शाम पानी डाल देने से गाछ अच्छा नहीं होता। गाछ करने के लिए आपको थोड़ा सा भीतर से दिल से भी होना चाहिए और थोड़ा सा परवरिश, बस इतना भी गाछ अच्छा होता है। और मोटा मोटी ये मेरा ये हो गया जाके खूब अच्छा पॉपुलर एक तो वैरायटी पनसुटिया बोलते हैं इसको, तरह तरह का नाम है, पनसुटिया बोलते हैं। इसका कलर होता है, लेकिन अभी तत्काल मेरे पास एक ही तो, जितना ये जाड़ा कड़क ठंडा पड़ेगा उसका इतना रंग खुलेगा, यही इसका खूबी है। ये खूब पॉपुलर ब्रांड है, कोई खास दाम भी नहीं है, 40-50 टका में आ जाता है। ये हो गया जाके आपको अरुल का फूल का, जैसे कि अब ये धीरे धीरे हाइब्रिड और अरुल फूल इतना बड़ा बड़ा वेराइटी होगा, रंग भी बहुत अच्छा होगा। मैंने जैसे जैसे जाड़ा आएगा वैसे वैसे डेवलप होगा कलर। ये कौन सा फूल है? ये कौन सा, ये हो गया जाके आपको हजार गुलाब बोलते हैं। अच्छा, ये आप क्यारी भी बना सकते हैं, चढ़ा भी दीजिए तो अपने आप चढ़ते रहेगा। ये कलर क्या है, कलर क्या है ये? इसका हो गया डीप रेड। और ये भी तो गुलाब है, बगल वाला गुलाब है, दूसरा कलर का। अच्छा, तरह तरह का कलर में आता है।
इसमें तो मल्टी कलर है गुलाब ना इसमें, हाँ होता है ये आपको सिर्फ सीजन के चलते, इसमें मेरा कोई खूबी खूबी नहीं है। सीजन जैसे जैसे जाड़ा पड़ेगा थोड़ा सा कलर चेंज होते ही रहता है। ये आपको बहुत पॉपुलर चंद्रमल्ली का, हम लोग हिंदी में गुलदौड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा आप तो पहाड़ी पहाड़ी फूल भी लगाते हैं? पहाड़ी फूल लाते हैं सिर्फ जाड़ा में, पहाड़ी फूल हम लोग के यहाँ वो है, यहाँ अभी यहाँ पर है दो चार तो वेराइटी जरूर होगा। ये विशेष वेराइटी पहाड़ी फूल का लीली, ये खास करके विंटर में ही होगा हम लोग का, इधर का सीजन में बहुत खूबसूरत। और वो कौन सा फूल है? वो कौन सा? ये लो, ये हो गया पेंजी, ये हो गया दिस इज पांजी, आपका हजारों कलर हजारों वेराइटी हाइब्रिड वेराइटी, दिस इज हाइब्रिड वेराइटी, ऐसे देसी वेराइटी में थोड़ा कम रंग होता है। इसी तरह लाखों सीजन फ्लावर जाड़ा के लिए सबसे अच्छा समय, मैंने जाड़ा हो गया सीजन फ्लावर के लिए सबसे अच्छा समय इस तरह है। इधर में हो गया हमारा में टोटल इंटीरियर का शो प्लांट हम लोग जिसको बोलते हैं, अच्छा घर में टेबल में, इसमें ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा परवरिश भी नहीं चाहिए, आपको ड्राइंग टेबल में रहेगा, राइटिंग टेबल में रहेगा, टीवी के सामने रहेगा, ये शौकीन पदार्थ। उधर मेरा कैक्टस वेराइटी है और ये हो गया जाके ऑर्किड वेराइटी। ऑर्किड के बारे में हम बोलें बहुत आसान तरीका है, हम लोग सोचते हैं ऑर्किड ना जाने क्या चीज़ से कोई बात नहीं, ऑर्किड थोड़ा सा हम लोग यदि अगर कोई भी वीडियो वीडियो देख लेते हैं नेट में टोटल नॉलेज मिल जाएगा। और खूब अच्छा देखिए, इसमें कोई मिट्टी नहीं कुछ नहीं, हवा से अपना खाना तैयार करता है जो उसका, मतलब मिट्टी आप कंप्लीट यूज नहीं करते हैं इसमें, इसमें बिल्कुल नहीं लगता ये वैरायटी में, अच्छा मिट्टी में होगा ही नहीं। ये हो गया कंप्लीट, आपको पानी स्प्रे और हो गया जाके इस टाइप का स्टोन चिप बस। तो मिट्टी का यूज कितना आप करते हैं? बहुत कम। तमाम जो मेरा गार्डन बना है, हाँ। तो आप परसेंटेज 100 के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब बोलिएगा, ओनली 5%। तो मान लीजिए कोई आपके यहाँ से पेड़ ले जाए, हाँ हाँ, तो फिर वो कहाँ से बस ये दिस इज रेडी है। और आगे चल के यदि वो आपने करना चाहते हैं, इस तरह काट गुंडी को प्रोसेस किया जाता है, फुल टेक्नोलॉजी हम दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ मेरा नहीं है, सबके लिए होना चाहिए, ये नॉलेज सबके पास मिलना चाहिए। यार मिट्टी का जो क्या प्रॉब्लम है, जो करता है, जितना भी मेरा गार्डन लवर दोस्त है या जो भी है, मगर पहले तो आप अपना परिचय बताइए, बैठिए। हाँ। पहले आप अपना परिचय बताइए। हाँ। मेरा नाम अनुप कुमार मुंशी, ऐसे पप्पूदा बोल के चीफ मेडिकल वाले को सबको चिन्हते हैं। हाँ। ये कटिहार का सबसे पुराना दुकान में 80 साल का दुकान। अब रह गया कि आप दवाई बेचते बेचते अचानक ये क्या सोचे, तो देखिए हम लोग अभी इस एज में रिटायरमेंट के करीब करीब आ गए हैं। अभी हमारा यही टारगेट होता है कि थोड़ा सा प्रोफेशन भी हो, साथ में कुछ माइंड का रिफ्रेशमेंट भी हो। और आप तो हमारे बात छोड़िए, कोई भी बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाइए, किसी के पास, वो लोग क्या बोलते हैं कि माइंड को ठीक रखो, तमाम बीमारी ऐसे ही दूर रहेगा। तो दिस इज माई माइंड ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका मैंने निकाला, इसमें हमको बहुत संतुष्टि मिलता है। और अलोक जी मेरा मित्र हैं, एक दिन आए थे, देखे थे, बोला ठीक है एक तो ब्लॉग बनाएंगे, तो चलिए बनाइए, आदमी को जानकारी होगा, जानकारी होने से ही हम लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता है चीफ मेडिकल का थर्ड फ्लोर में क्या है, फर्स्ट फ्लोर में क्या है, कैसे। चीफ मेडिकल हॉल में तो दवा मिलता है, अब ये एकदम कम्प्लीट न्यू कॉन्सेप्ट। ऊपर में दुआ देने के लिए आप आ गए? अच्छा अच्छा, ना हम तो बहुत दिल से धन्यवाद देंगे अलोक भैया को कि आपने से, ऐसा नहीं कि हम उसको टान के लाएंगे, उसको अच्छा लगा तो आए, बस आप लोग को भी अच्छा लगे तो ही। और मेरा बेसिक टारगेट है कमल फूल, सपला फूल, जो हम लोग इधर का हम बहुत से बात किए हैं, कमल फूल गमला में ये हो संभव नहीं है, तो ठीक है हम 2 महीना बाद आपको संभव करके दिखाएंगे, उस समय आप भी मानिएगा, अच्छा लगेगा आपको, आपको भी घर में कमल फूल का एक ठो यदि गमला रहेगा तो आप तो क्या ऊपर वाला भी खुश होंगे, क्योंकि कमल फूल के बारे में नया करके कुछ बोलना नहीं है, ये हम लोग का जातीय क्या हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया कमल फूल, इसके बारे में नया करके कुछ क्या बोले। अब अनुप जी, अनुप कुमार मुंशी जी का दावा है कि अभी फिलहाल तो फूला नहीं है। हाँ। वो कमल का फूल। हाँ। आप ये देख सकते हैं कि ये सारा लगाया गया है और पत्ते आ चुके हैं इसमें, मगर इनका दावा है, मगर एक फूल तो है कमल का। हाँ, वो सापला है, कमल नहीं है। अच्छा, वो सापला है, सापला जाइए। हाँ, किधर से भी चल रही। तो ये अभी सापला है और ये सारा कमल फूल लगा है ना? कमल फूल लगा हुआ, ये सारा कमल फूल लगा हुआ आप देख सकते हैं, और ये सापला है। तो इनका दावा है कि इन सारे टब में एक कमल फूल आपको उगा कर दिखाएंगे, 8 महीना में कंप्लीट रूप बदल जाएगा, और मार्च महीने में इनका रंग पूरा रंगत बदल जाएगा, ये देख सकते हैं।
और जब कमल फूल उगेगा तो हम अपने चैनल पर जरूर आपको दिखाएंगे कमल फूल। ये इन्होंने कहा है कि हम आपको कमल फूल का फोटो भेजेंगे और हम खुद फुटेज लेने आएंगे। तो अनूप कुमार मुंशी जी का जो ये प्रयास है ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी सराहनीय प्रयास है और काफ़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। और एक तो मेडिकल की दुकान नीचे चलाते हैं मगर ऊपर में ये मकान में अपने मकान में फूल खिलाते हैं। तो दोस्तों जब कभी यदि आपको इनका बागवानी देखना हो तो चीफ मेडिकल हॉल में आ जाइए और इनसे मिलिए। आप यहाँ पर ये जो फूल के पेड़ हैं आप खरीद भी सकते हैं, ये काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पर है। दरअसल इनका कहना है या इनका मानना है कि फूल लगाना इनका शौक है, शौकिया तौर पर करते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए करते हैं। क्योंकि अभी इन्होंने चर्चा भी की कि एक डॉक्टर ने कहा है कि यदि स्वस्थ रहना है तो कोई बेहतर स्वस्थ वाली करे, स्वास्थ्य वाली काम करें। जैसे ये फूल उगाना ये बेहतर कार्य है और ये इसको कर रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए, कटिहार वासियों को चाहिए कि इनको सहयोग करने का और इनके मनोबल को बढ़ाने का ताकि ये आगे चलकर और भी बेहतर काम करें। दरअसल इनका जो काम है वो थोड़ा सा पिकुलियर काम है क्योंकि इन्होंने मिट्टी का उपयोग कहीं नहीं किया अपने बागवानी में। एक कंप्लीट जो है ये ज़रा दिखा दीजिए एक बार। ये रहा, हम गमला से थोड़ा सा मिट्टी उठा रहे हैं अलोक भैया को दिखाने के लिए। अब हम अलोक भैया को या उनका दो मित्र जी को बोलेंगे कि थोड़ा सा इसको हाथ में लेके दीजिए, आपको अगर यहीं पर कहीं पर कोई मिट्टी लगे तो फिर हमको बोलिए। ये हाँ बस लकड़ी का बुरा सिर्फ इसको सड़ाया हुआ है और कोई काम कुछ नहीं है। और इसमें हम लोग गोबर खाद डालते हैं जो आसानी से मिल जाता है, या एनपीके डालिए, स्प्रे कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि इस तरह का कुछ नया प्रयास आप करते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। ये क्या बता रहे थे आप? कैक्टस वैरायटी हो गया। हाँ हाँ, ये हो गया ऑर्किड का मेरा कलेक्शन। जी जी जी। अब ये धीरे धीरे ऑर्किड बड़ा होगा, खिलेगा। ऑर्किड में क्या खूबी है, ऑर्किड में आपका घर में कोई गाछ में यदि अगर एक दिन फूल खिलता है ना, मोटा मोटी देर से दो महीना रहता है। ये हो गया ऑर्किड, ये कैक्टस, इसका सिर्फ खूबसूरती देखिए, देखिए ऊपर वाला ने कितना अच्छा, कितना प्यारा गाछ बनाया। इस तरह हजारों वेराइटी आता है।